turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plot, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, फाइनली जो एक न्यू अपडेट के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड गाइस, ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि भाई MP15 का कुछ न्यू लीक्स जो है मेरे पास अभी जस्ट आई है। एंड ये लीक्स जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड वीडियो पे अगर आप लोग नए हो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी अगर हम लोग बात कर लें MT15, तो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बना दिए, आप लोगों के काफ़ी सारे ये भी कमेंट्स आते हैं कि भाई कितना वीडियो बनाएगा। जो भी भाई मेरे पास लीक आती है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी जो इस लीक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम लोग को एक न्यू लॉन्च डेट जो है मेरे को मिला है कि गाड़ी जो है ऑफिशियली कब लॉन्च होगा, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था कि मार्च के महीने में गाड़ी लॉन्च होने वाली है, लेकिन गाइस अभी मेरे पास कुछ न्यू लीक्स आई है कि गाड़ी मार्च में लॉन्च नहीं होगी, ठीक है। मार्च नहीं तो अप्रैल में लॉन्च नहीं होगी, जो कि 2022 में होने वाली थी। तो अगर हम लोग पहले में बताना चाहूँगा कि R15S जो है वो अभी लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली 1,57,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो उसको हम लोग सोच रहे थे कि दिसंबर के महीने में एंड तक वो लॉन्च होने वाली है, लेकिन गाइस उसको कंपनी ने पहले ही रिवील कर दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो MT15 का लॉन्च डेट भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्च या फिर अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। सो कभी भी गाड़ी का लॉन्च हो सकता है, लेकिन गाइस एग्जैक्ट जो डेट है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में। सो अगर हम लोग फीचर्स की, सबसे बड़े फीचर्स की बात करें, तो सभी को पता है कि इसमें हम लोगों को डुअल चैनल ABS अभी मिलने वाला है, न्यू जो राइडिंग मोड्स वगैरह मिलने वाली है। एंड जो है लुक्स, सबसे बड़ी चेंज जो है लुक्स हम लोग को अभी चेंज देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इस गाड़ी में हम लोग को एक न्यू जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है हम लोग को क्विक शिफ्टर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड जो है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी मिल जाएगा। सबसे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें हम लोग को USD सस्पेंशन भी फ्रंट में देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे जो है हम लोग को नॉर्मल सस्पेंशन जैसे कि मिलता है उसी टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टायर सेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें, फ्रंट में हम लोग को सेम 100 सेक्शन, बैक रियर में हम लोग को सेम 146 सेक्शन का मिलेगा। वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ लुक्स में हम लोग को MT07 से इंस्पायर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो गाड़ी जो है काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। जो भी यार अभी सोच रहे हो ना कि MT15 लेने के लिए, यार रुक जाओ, मैं यही बोलूँगा कि रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी MT15 का न्यू मॉडल वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी हम लोगों को जो टेस्टिंग वगैरह है अभी तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन गाइस ये अभी मेरे पास एक काफ़ी सारे मेरे को ये कमेंट्स आते हैं कि भाई जो कि लॉन्च डेट है वो कब होने वाला है, ऑफिशियल लॉन्च डेट हमको बताओ, जो नॉर्मल कब लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है कब तक लॉन्च होगी। तो लॉन्च जो है मैंने पहले बता दिया था कि अप्रैल या फिर मार्च, अप्रैल या फिर मई के महीने में ये लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में, लेकिन गाइस गाड़ी जो है जनवरी के महीने में लॉन्च होने की संभावना है, ठीक है। मतलब कि 2 महीने और रह गए हैं, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। क्यों गाइस इतने जल्दी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी का जो टेस्टिंग वगैरह है उसका ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि R15 जो है इसमें हम लोगों को सेम टाइप का इंजन मिलेगा, सेम टाइप का फीचर्स भी मिलेगा, सिर्फ हम लोगों को फेयरिंग में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा दिनों का इसका जो टेस्टिंग है उसको नहीं किया जाएगा, कुछ ही दिनों का टेस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि R15 का जो है काफ़ी लंबे टर्म तक टेस्टिंग किया गया था, काफ़ी सारे टेस्टिंग स्पॉटेड हम लोग कर दिए थे। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगी, मतलब कि जनवरी या फिर फरवरी के महीने में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। एंड गाइस ये जो है यामा की पहली गाड़ी है जो कि 2022 में लॉन्च होने वाली इंडियन मार्केट में, ठीक है। एंड गाइस और भी गाड़ियाँ यामा की तरफ से लॉन्च होने वाली है, जैसे कि MT03 हो गई, उसके बाद R3 हो गई, ठीक है। तो ये दो गाड़ी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगी, लेकिन गाइस कब तक लॉन्च होगी फुल डिटेल्स जो है और एक मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। आप लोग अगर चैनल पे अभी तक नए हो तो जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो मेरे पास
हमेशा मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और शेयर अगर आपने नहीं किया है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।